बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से विदा हुए 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन देश की 3 सबसे बड़ी जांच एजेंसियां मिलकर भी अब तक इस सवाल का जवाब नहीं तलाश पाई है कि एक्टर ने सुसाइड किया या उनकी हत्या हुई थी। जांच और न्याय मिलने में हो रही देरी पर सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। वकील विकास सिंह ने ट्वीट किया, CBI द्वारा सुशांत मामले को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने से बदलकर हत्या के मामले में बदलने में हो रही देरी अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है। वो डॉक्टर जो एम्स की टीम का हिस्सा रहा है, उसने मुझे बताया था कि जो तस्वीर मैंने उसे भेजी वो बताती है कि 200% ये गला घोटकर मारे जाने का मामला है, सुसाइड नहीं। उधर एम्स के फोरेंसिक चीफ सुधीर गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में विकास सिंह के बयान पर कहा, जांच अभी भी जारी है, जो वो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम सिर्फ गले पर खिंचने के निशान और क्राइम सीन को देखकर इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ये हत्या है या सुसाइड। इसमें और जांच किए जाने की जरूरत है जो चल रही है और कोई नतीजा अब तक नहीं निकाला गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।